वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम साइंस वन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर में हमको क्या समझ में आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब होता है, पीरियड। पीरियड मतलब जैसे स्कूल में पीरियड्स होते हैं, मतलब जो चीज एक टाइम के बाद बार बार रिपीट होती है उसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कि एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगरीज में डाल रहे हैं, और कैसे डाल रहे हैं कि उनका पीरियोडिसिटी हो, अंदर रिपीटेशन होता है कि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक ग्रुप में कैसे आते हैं, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। तो वो पीरियोडिसिटी हम यहाँ पे सीखेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो एलिमेंट्स उनका क्लासिफिकेशन तो हम समझने वाले। इसमें चार मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले डॉविनस ट्रायड्स आते हैं, जो मतलब हिस्ट्री पूरा दिया गया कि शुरू में लोग कैसे एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते थे। एलिमेंट्स का क्या मतलब है वो भी इम्पोर्टेंट है, एलिमेंट समझ लेना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज लो, पानी लो, तो पानी किससे बना है, पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमको सबको पता होता है। अब 10th में साइंस में आ गए तो ये तो पता ही होगा कि वाटर इज H2O, मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन के दो एटम्स है, चार एटम्स है, कितने भी हो, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। वैसे कार्बन, सिलिकॉन, नो सोडियम, पोटेशियम, एक एक चीज जो है इसको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स के फिर हम मॉलिक्यूल्स मिला के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो एक्चुअली सिंगल एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, या दो एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा। तो वो होता है जैसे H2O इज अ कंपाउंड, क्योंकि दो एलिमेंट्स मिलके बना है, तो वो बात है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होना चाहिए। तो ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एक्चुअली हम करेंगे यहाँ पे। तो हिस्ट्री जो उसकी है एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन, सबसे पहले डॉविनस ट्रायड्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे, न्यूलैंड्स लॉ, ऑक्टेव्स कैसे होते हैं। तो ये ट्रायड से आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्राय मतलब ट्रायो, मतलब तीन एलिमेंट्स को एक साथ करके उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज ला के उनको समझने की कोशिश की गई। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ऑक्टेन, ऑक्टा मतलब एट, ऑक्टेगॉन मतलब आठ साइड वाला फिगर, है ना, शेप जिसके आठ साइड होते हैं, तो उसको ऑक्टागॉन बोलते हैं, ऑक्टा मीन्स एट। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ये है कि पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट जो उसमें सिमिलैरिटीज होती है, तो ऐसे अरेंज किया गया। तो न्यूलैंड्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो देखेंगे। उसके बाद आए मेंडलीव्स, उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उनका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो देखेंगे। और फाइनली जो अभी हम मानते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोज़ली साइंटिस्ट का है, तो मोज़ली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हम देखेंगे। तो ये एक्चुअल आपका चैप्टर का कवरेज है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट है यहाँ पे कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के क्या क्या टाइप्स है। तो इसका आंसर जैसे है, तो मैटर क्या हो सकता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये हमने अभी देखा। इसकी थोड़ी स्लाइड्स भी मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे। और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं, जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको हम वीडियो पे बता दें, उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। तो टाइप्स ऑफ मैटर समझने के लिए हमको पहले ये समझना चाहिए कि ये व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। मैटर के स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, नॉट टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर का आंसर क्या आएगा कि मैटर कैन बी प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस होगा तो उसमें या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। जैसे हमने बोला H2 इज एन एलिमेंट, H2O इज अ कंपाउंड। वैसे मिक्सचर होगा तो मिक्सचर मतलब केमिकल रिएक्शन से नहीं बना है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ही चीज का मिक्सचर है। हेटरोजीनियस मिक्सचर मतलब वो मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग चीजें एक साथ है। तो ये मैटर जो है वो या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड होगा या तो मिक्सचर होगा। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीन चीजें होती है। तो एलिमेंट और कंपाउंड, ये देखो प्योर सब्सटेंसेस हो गए तो या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड, मतलब दो चीजें, दो या ज्यादा चीजें मिलके बनी है। फिर दूसरा सवाल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स।
तो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स होता है कंपाउंड होता है मिक्सचर। अभी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स के तीन मेन टाइप्स होते हैं जो हम बचपन से कर आ रहे हैं लोअर क्लासेस से, कि मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन एक बीच में एक चीज होती है मेटलॉइड्स, तो ये उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स ही डाले जाते हैं, ये एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है, और ये मेन ये सब चीज के मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का है, ये आप चैप्टर में भी डिटेल में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे बताया गया ग्रीन बॉक्सेस में जो है, ये लेफ्ट साइड पे जो है जिगजैग लाइन यहाँ पे पर्पल में दी गई है, ये मेटल्स है, यहाँ पे नॉन मेटल्स है, और ये जिगजैग लाइन में जो जो फिट होते हैं एलिमेंट्स उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो सो दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा सवाल जो है वो भी हम देखेंगे, यहाँ डिटेल में दिया गया इवन विथ नेम कि मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है, मेटलॉइड्स कौन है। हाइड्रोजन इस साइड है लेकिन हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। फिर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में भी हम चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब मैटर जो है, टाइप्स ऑफ मैटर जैसे हमने देखा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी देखा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विल बी एटम। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे मैटर कैसे बना होता है। तो ये एटम जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब कि उससे छोटा हम करेंगे एटम को भी और छोटा करेंगे तो फिर वो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स उससे एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स चली जाएगी। लेकिन ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम ओनली, और एटम इज ऑल्सो मेड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों सेंटर में होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे थे, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स कैसे गोल घूमते, ये लाइंस एक्चुअली नहीं होती, ऑर्बिट दिखाई गई है, पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल गोल घूम रहे होते, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो स्टेबल एलिमेंट होगा, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये रहा, ये देखिए, तो एटम के अंदर भी थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन जैसे नाम ही बोलता है न्यूट्रल है, नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, है ना। और ये दोनों जो है इक्वल हो गए ताकि दोनों कैंसिल हो जाए, तो पूरा एटम भी न्यूट्रल रहता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये भी हमने ऑलरेडी समझ लिया, जैसे वाटर का ही समझा हमने, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O है, तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, और ये जो है हाइड्रोजन, ये एटम है, और ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो H2 होगा, H अकेले हाइड्रोजन सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अनस्टेबल रहेगा, तो जो मॉलिक्यूल बनता है एटम, जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल वो ये H2 दिखाया गया। तो एलिमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो एटम ऑफ एलिमेंट एक ही होता है, हाइड्रोजन लो या सिर्फ ऑक्सीजन लो, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट मींस H2। जैसे H2 हाइड्रोजन हवा में होता है, ऑक्सीजन O2 हवा में होता है, तो ये O2 H2 ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, और जब दो अलग अलग एलिमेंट साथ में आके या दो या ज्यादा साथ में आके कुछ बनते तो उनको कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये तो कैन यू रिकॉल के सारे आंसर्स हमको मिल गए। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारा ये चैप्टर ही है उसके बारे में। तो हमको कितने एलिमेंट्स क्लासिफाई करना है, हमको इस डेट पे प्रेजेंटली कितने एलिमेंट्स पता है, वो यहाँ मेंशनड है 118 एलिमेंट्स आनो। तो और एटम्स मतलब एक एलिमेंट के एटम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप, दैट इज अ फैक्ट वी नो। तो 118 एलिमेंट्स आज के डेट में पता है, लेकिन जब 1800 साल था तब सिर्फ 30 एलिमेंट्स लोगों को पता थे। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है क्लासिफिकेशन का वही है, ये कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। लेटर ऑन मेटलॉइड्स भी बाद में है, तभी तो सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके ही इनिशियल क्लासिफिकेशन होता था। तो अभी जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने के लिए जो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हिस्टोरिकली जैसे क्लासिफाई किए गए एलिमेंट्स, तो वो है डॉबेरिनस ट्रायड का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है जर्मन साइंटिस्ट थे डॉबेरिना, उन्होंने ट्रायड्स बनाए, ट्रायड्स मतलब तिगड़ी, तीन की तिगड़ी ऐसे, तो तीन एलिमेंट्स एक साथ लिए, और उनके प्रॉपर्टीज उन्होंने देखा, प्रॉपर्टीज इन जनरल भी उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनकी एटॉमिक मास से रिलेटेड है।
अब ये टर्म एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, क्लियरली इसका अंडरस्टैंडिंग रखिए बिकॉज इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब इसको समझने के लिए हमको एटम का जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत जरूरी है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। तो उसको क्लियरली याद रखिए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं, ऐसा एक एटम होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज इन द ऑर्बिट और दोनों एक दूसरे को नेगेट करते हैं क्योंकि एटम स्टेबल रहता है, उसके कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, दोनों एक ही बात क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, साइंस में उसको डिनोट किया जाता है विद अ कैपिटल लेटर जेड। फिर मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं या सिर्फ मास नंबर जो बोलेंगे हम, ये नंबर क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ऑर्बिट में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट होते हैं। मतलब अगर एटम का वेट देखना है, वजन देखना है, मास देखना है, तो उसका मास कहाँ से पता चलेगा? मेन जो उसका मास है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स को हम नेग्लिजिबल है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। तो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। तो अगर एलिमेंट, हम एलिमेंट का एक सिंबल होता है, जैसे कार्बन का सिंबल सी है, हाइड्रोजन का सिंबल एच है, ऑक्सीजन का ओ है, हीलियम का एच ई है, यहाँ पे मॉलिब्डेनम जैसे एग्जांपल दिया गया है एमओ है, तो वो एलिमेंट का नाम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक मास नंबर नीचे। तो ये स्टैंडर्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जैसे हम लिखते मॉडर्न तरीका वो यही है। तो यहाँ पे वो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास नंबर। और आइसोटोप्स भी एक चीज होती है, आइसोटोप्स भी समझना चाहिए। आइसोटोप्स मतलब सेम एलिमेंट का के बारे में। तो सेम एलिमेंट होगा तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की पहचान होती है। तो पुराने जमाने में वही है, डॉबिनस, ट्राइड, न्यूलैंड, ऑक्टेव और मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, जो इनिशियल थ्री चीजें हम देखेंगे उसके अंदर एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर को पकड़ के काम किया गया, लेकिन सही तरीका है एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि एटॉमिक नंबर जो है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट है तो सेम एटॉमिक नंबर है, बट एटॉमिक मास नंबर उनका अलग है, थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं उनमें, लेकिन बेसिकली एलिमेंट वही रहता है। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन होते हैं जैसे कि C12, C14, तो ये आइसोटोप्स बोले जाते हैं। कार्बन ही है पर उसके अलग अलग आइसोटोप्स है, तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, मास नंबर चेंज होता है। तो अब क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। तो डॉबरिनस ट्राइड देख लेते हैं। तो ये जर्मन साइंटिस्ट है डॉबरिनर, उन्होंने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मास। ये सेम चीज पकड़ के बाकी आगे के दो साइंटिस्ट न्यूलैंड और मेंडलीव्स ने भी यही पकड़ के क्लासिफिकेशन किया। डॉबरिनर ने सिंपल क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने एक्चुअली सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तीन डिग्री बनाई, जैसे हमने बोला ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, उनको ट्रायड्स बोलते है ना। तो वो उनको क्या किया, उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले, सेकेंड नंबर पे सेकेंड और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट। तो ऐसे करके तीनों को ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने देखा कि जो मिडिल का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अगर हमको अंदाजा लगाना हो तो पहले और तीसरे जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज ले लो, मतलब कि कैसे ले लो, उनको एड करके उनको डिवाइड बाय टू, दैट इज कॉल्ड द एवरेज द मीन। तो स्टेटमेंट क्या है डॉबरिनस ट्राइड्स का कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन, मतलब एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। सो ये डॉबरिनस ट्राइड है, पर इसका ऑफकोर्स ये सबके लिए नहीं हो सकता, मतलब ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉबरिनस ट्राइड्स। पर थोड़े एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, यहाँ तीन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम में बीच का एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम का अगर हमको एटॉमिक मास ढूंढना है तो क्या करेंगे, लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है उनको हम यहाँ पे देखिए 6.9 इज फॉर लिथियम एंड 39.1 इज फॉर पोटेशियम। तो ये दोनों को एड करके डिवाइड बाय टू किया, मतलब मीन निकाला, एवरेज निकाला, तो वो 23 आता है। तो सोडियम का हमने अंदाजा लगाया कि इसका एटॉमिक मास 23 होना चाहिए और एक्चुअल एटॉमिक मास भी सोडियम का 23 है।
सेम वे विथ कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, तो स्ट्रॉन्शियम बीच का एलिमेंट है, तो उसके लिए हम इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2, तो 88.7 आता है, और एक्चुअल स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास 87.6 है, विच इज क्लोज। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में भी वैसे ही, ब्रोमीन बीच का एलिमेंट है, तो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो 81.2 आता है, हालांकि ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास 79.9, ऑलमोस्ट 80 है, तो दैट इज ऑल्सो क्लोज। तो ये डॉबेरियनस ट्राइड के तीन एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर आगे अभी कैन यू टेल में है कि और डॉबेरियनस ट्राइड इन सब में से कौन से है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम, तो इन तीनों का जो है एटॉमिक मास दिया गया है, तो अरेंज किया गया उसी ऑर्डर में, मतलब ये बीच का एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम का अगर हमको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे का एड करके डिवाइड बाय 2, 24.3 प्लस 87.6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 111.9 डिवाइड बाय 2 विच इज 55.95, बट जो बीच का एलिमेंट कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास तो 40.1 एक्चुअली, और हमको आया 55.95, तो ये तो बहुत फर्क है ना, मोर देन 15 का फर्क, तो दिस इज नॉट अ डॉबेरियनस ट्राइड, तो ये नहीं है। दूसरा एग्जांपल है सल्फर, सिलीनियम और टेलीरियम, तो ये तीन एलिमेंट्स में बीच का एलिमेंट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ये अरेंज्ड है, सेलेनियम बीच का एलिमेंट है, तो इसका अगर हमको एटॉमिक मास ये तो पता है, लेकिन अगर ढूंढेंगे अमीन करके तो इन दोनों का मीन लेना है, मतलब 32.1 प्लस 127.6 डिवाइड बाय 2, तो मीन मिलेगा, तो वो आता है 79.9, और सेलेनियम का एटॉमिक मास भी 79 है, मतलब दोनों काफी पास है, मतलब करेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ये डॉबेरियनस ट्राइड है। फिर तीसरा एग्जांपल दिया गया है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो अब इसमें कैसा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में हमको मैग्नीशियम बीच का एलिमेंट है, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इन दोनों का एडिशन जब करेंगे हम 9 प्लस 40.1, सो दैट गिव्स यू डिवाइड बाय 2, दैट इज द मीन, तो इसके अंदर हमको आंसर आता है 24.6, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24.3 है, तो काफी क्लोज आ गए हम, मतलब ये डॉबेरियनस ट्राइड है, तो पहला वाला नहीं है, बाकी दोनों है, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, आना चाहिए। तो ये डॉबेरियनस ट्राइड की बात हुई, अगला आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मतलब ब्रिटिश थे, और उन्होंने जो ऑक्टेव्स का रूल बनाया, हमने देखा ऑक्टेव्स 8 मतलब नंबर 8, तो एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, ये उनका कंक्लूजन था। तो उन्होंने कैसे किया ये, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया जो उस टाइम पे पता थे, तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज किया, इवन डॉबेरियनस ट्राइड में भी एटॉमिक मास के से अरेंज किया गया, इवन इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उन्होंने स्टार्ट किया लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से और वो थोरियम तक गए, और उन्होंने देखा कि एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, तो यहाँ पे जैसे उनका ऑक्टेव्स यहाँ पे दिया भी गया है, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है इसको। तो ये ऑक्टेव्स एक्चुअली और भी एग्जांपल्स है इसके, जैसे इंडियन म्यूजिक सिस्टम में सारे गामा होता है, सारे गामा प ध नी, सात सुर, लेकिन ये फिर से रिपीट होता है, सारे गामा प ध नी सा, तो जो सेकेंड टाइम सा आता है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना, लेकिन जो अपर सप्तक का सा माना जाता है उसको, लेकिन वो प्रॉपर्टी सिमिलर है उसकी, स से सिमिलर है, तो वही जैसे है वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम में भी सुर होते हैं डो रे मी फा सो ला ती, उसमें भी जो फिर से डो आता है लास्ट में, तो एथ जो वापस एलिमेंट आता है, एथ कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, उसकी भी डबल होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग डो, तो वही है डो रे मी फा सो ला ती डो, तो वो जो है वैसे ही, तो ये एलिमेंट्स में भी ऐसी उन्होंने प्रॉपर्टी देखी, तो ये भी ऑक्टेव्स का रूल है, वो एलिमेंट्स पे लगाया उन्होंने, और उनको एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखा उन्होंने, यहाँ पे बताया कौन से एलिमेंट सिमिलर है, पहले हम ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कैसे उन्होंने अरेंज किया वो देख लेते, तो ये जैसे आप देख सकते 7 कॉलम्स है, तो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से शुरू होके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके उन्होंने अरेंज किया, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और कैसे सिमिलैरिटीज कैसे है, सोडियम जो है यहाँ पे, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम, तो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम आता है,
तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। मैग्नीशियम इज द एथ एलिमेंट फ्रॉम बेरिलियम, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो ऐसे उन्होंने ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उन्होंने एलिमेंट्स को डाला, 7/8 का उन्होंने पूरा टेबल बनाया, मतलब 7 जो है 7 रोज 7 कॉलम्स है और ये 8 रोज करके उन्होंने फिट किया, 56 एलिमेंट्स को उन्होंने इसमें फिट किया। तो लेकिन ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो कहाँ तक वर्क करता है, कैल्शियम तक, यहाँ तक। सो लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, पहला कि इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, और दूसरा के कोई कोई बॉक्सेस में दो एलिमेंट्स एक साथ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो दो एलिमेंट्स कोबाल्ट निकल साथ में है, तो ये दो एलिमेंट्स साथ में, क्योंकि कोबाल्ट निकल का अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो दोनों के एटॉमिक मास सिमिलर है, उतना ही है, तो फिर कोबाल्ट पहले आएगा निकल पहले आएगा कहाँ आएगा वो नहीं समझता, तो दो एलिमेंट साथ में भी उन्होंने डाले, तो ये उसके और एक लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन जैसे आप यहाँ देख रहे मेंशन किया गया, तो ये नंबरिंग दिया मैंने, पहला लिमिटेशन, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के चार लिमिटेशन है, हमको चारों याद होने चाहिए। पहला एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, दूसरा के दो दो एलिमेंट्स एक साथ है कोई कोई बॉक्सेस में, और तीसरा कि जो कोबाल्ट और निकल है उसको हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा है, इनको हैलोजन्स कहते हैं, तो हैलोजन्स के साथ कोबाल्ट और निकल को रखा गया, तो ये तो गलत है, ये मेटल्स है उनको नॉन मेटल्स के साथ रखा गया, और आयरन जो एक्चुअली मेटल है उसको जो है ये देखो ऑक्सीजन सल्फर के साथ रखा गया, तो ये वही है ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स के साथ मेटल को रखा गया, तो ये ऑफकोर्स ये क्लासिफिकेशन सही नहीं होगा, तो ये तीसरा लिमिटेशन है। चौथा है कि यहाँ पे नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी, कि अगर नया एलिमेंट कोई बीच में एटॉमिक मास में अरेंज है एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो अगर नया एलिमेंट बीच में कहीं डिस्कवर हुआ तो उसको कहाँ फिट करेंगे, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये चार लिमिटेशन है ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स, तो ये याद होने चाहिए। फिर देखते हैं हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो डॉबेरिनस ट्राइड भी एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे और क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, इवन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के हिसाब से ही एलिमेंट्स को अरेंज करके क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये और एडवांस्ड है। ये रशियन साइंटिस्ट थे डिमित्री मेंडेलीव, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मान के उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज करने की कोशिश की, क्लासिफाई करने की कोशिश करी, तो उन्होंने वही एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में और एक टेबल बनाया, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे अरेंज किया एलिमेंट्स की उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो सिक्वेंस में बैठे, तो ये देखिए उसमें काफी सारे उन्होंने डिटेल्स भी दिए, जैसे ये ग्रुप्स उन्होंने बनाए, यहाँ पे हमको 8 ग्रुप्स दिखते, तो ओरिजिनली मेंडेलीव ने जो बनाए थे वो 7 ग्रुप्स थे, तो वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको ग्रुप्स बोलते और हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको पीरियड्स बोलते, और उनका मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, के एटॉमिक मास के हिसाब से अगर उनको अरेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की वो रिपीट होगी, पीरियोडिकली रिपीट होगी, ऐसे पीरियोडिक टेबल है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। आगे आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो जो आज हम मानते हैं ये मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उन्होंने देखो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया और उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो ये देखो हाइड्राइड के साथ कैसे बनेगा, ये आर मतलब वो एलिमेंट, तो एच के साथ हाइड्राइड कैसे बनेगा, उसका ऑक्साइड कैसे बनेगा इस एलिमेंट का, ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का, तो उसके लिए भी एक रेफरेंस दिया यहाँ पे कि R2O, RO, जैसे यू नो CaO बनता है ना, तो वैसा H2O बनता है, तो ये वैसे उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हो गए हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के साथ, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटीज कंसिडर करके उनको क्लासिफाई किया। तो ये देखिए ये पूरा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे जब क्वेश्चंस नीचे आएंगे, तो ये डिमित्री मेंडेलीव के बारे में ये डिटेल भी है, तो हमने ऑलरेडी देखा कि उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के हिसाब से और मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बना। अब यहाँ पे थिंक अबाउट इट में सवाल है, तो ये देखो ये कहा जा रहा है नंबर वन, देयर आर सम वेकेंट प्लेसेस इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, थोड़ी खाली जगह है, वेकेंट मतलब खाली जगह है, तो इन सम ऑफ दीज प्लेसेस एटॉमिक मासेस आर सीन टू बी प्रेडिक्टेड,
उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे एलिमेंट जो है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, और इसका एटॉमिक मास भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया. तो एनलिस्ट थ्री ऑफ दिस प्रिडिक्टेड एटॉमिक मासेस अलोंग विद देयर ग्रुप एंड पीरियड. तो हम यहाँ ऊपर देखेंगे, आंसर भी देखेंगे. पहले ऊपर देखते कि प्रिडिक्टेड कहाँ है, मतलब ये देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 44 लिखा है, मतलब ये एटॉमिक मास है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लिथियम का 7, तो यहाँ पे एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा है कैल्शियम और टाइटेनियम के बीच में, पर इसका सिंबल नहीं है, मतलब ये एलिमेंट अननोन है. पर उन्होंने यहाँ खाली जगह छोड़ी, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मैग्नीशियम कैल्शियम एक एक कैटेगरी में फिट होते थे, और यहाँ पे टाइटेनियम जो है वो कार्बन सिलिकॉन के साथ फिट हो रहा था. तो यहाँ उन्होंने ब्लैंक जगह छोड़ी. तो इन्होंने एटॉमिक मास यहाँ प्रिडिक्ट किया और खाली जगह छोड़ी. नीचे भी यहाँ पे खाली जगह है, 44, 68, 72, ये एटॉमिक मासेस पे एलिमेंट. तो वो टाइम पे मेंडेलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तब ये अननोन थे, तो इन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ी है. तो इसके बारे में पूछ रहे हैं, 100 पे भी यहाँ खाली जगह है. तो ये जो है, ये कौन से एलिमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 44 जो एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो वो कौन से ग्रुप और पीरियड में, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहाँ देख सकते हैं, ये 44 इज इन ग्रुप 3 एंड पीरियड 4, 68 इज इन ग्रुप 3 पीरियड 5, एंड दिस इज इन ग्रुप 4 पीरियड 5, 72. तो इन तीनों के बारे में हमने लिखा. तो ये देखिए 44, 68, 72, इवन 100 के बारे में भी लिखा. ये एलिमेंट्स क्या है, आज की डेट में ये डिस्कवर्ड है. तो 44 है स्कैंडियम, 68 है गैलियम, 72 है जर्मेनियम, और 100 है टेक्नीशियम. तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको हम देखेंगे नीचे भी, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में, कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो अभी भी हमको समझ में आ गया कि ये मेंडेलीव्स ने एक्चुअली प्रिडिक्ट किया कि ये एलिमेंट्स हो गए और ये एक्चुअली रहे, डिस्कवर हुए लेटर. फिर दूसरा सवाल है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, अ क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेटेड बिफोर द सिंबल ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर सच सिंबल्स. तो थोड़े सिंबल्स के जो है अनसर्टेनिटी थी जिनके ऊपर, तो उनके उनके सिंबल के पहले क्वेश्चन मार्क डाला गया कि ये यहाँ फिट हो गए कि नहीं ऐसे. तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो है उनको मेंशन करना है, जैसे कि ये डीआई के साथ एक आगे क्वेश्चन मार्क है, सी के पास वगैरह. फिर आता है मेन पॉइंट, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं यहाँ, 1, 2, सो स्टार मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मेरिट्स है, और डीमेरिट्स देखिए 4 है. तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स और डीमेरिट्स समझे आप मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के. तो पहला मेरिट क्या है, जैसे हमने देखा कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज, जैसे कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है पहले माना जाता था कि 14.09 है, फिर पता चला इसका करेक्ट वैल्यू है 9.4. तो बेरिलियम जो है वो यहाँ पे एटॉमिक मास जब उसका रिवाइज हुआ तो उसको बेरिलियम को बोरॉन से पहले डाल पाए. तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बेरिलियम है, बोरॉन है. तो बेरिलियम बोरॉन के बाद आता था पहले, लेकिन अब करेक्ट किया जब उसका एटॉमिक मास, तो सही से बेरिलियम बोरॉन के पहले सही कैटेगरी में फिट होते हुए बैठा. तो ये एक बेनिफिट है कि जब एटॉमिक मास रिवाइज हुए तो उनकी बिकॉज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बेरिलियम को पहले होना चाहिए बोरॉन का बाद में, तो मेंडेलीव ने जब उनके प्रॉपर्टीज मैच की तो बेरिलियम, वो बोले बेरिलियम तो पहले होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम पहले था नहीं, बोरॉन था. तो उन्होंने बोला चेक करो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास चेक किया तो उसका करेक्ट वैल्यू फिर अलग आया, कम आया, बोरॉन से कम आया, करेक्ट वैल्यू 9.4 है. तो बेरिलियम गॉट इट्स राइट प्लेस बिकॉज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, सो दैट इज वन मेरिट. सेकेंड मेरिट इज कि थोड़ी खाली जगह है जैसे हमने ऑलरेडी देखा, तो उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया कि ये एलिमेंट्स बाद में मिलेंगे, अब डिस्कवर्ड नहीं हुए अब तक, लेकिन बाद में मिलेंगे, और उनको एक नाम दिया, एका बोरॉन, मतलब बोरॉन के जैसा होगा ये, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन. और ये आज डिस्कवर्ड है, जो हमने ऊपर भी देखा यहाँ पे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम. तो यही लिखा गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, मतलब स्कैंडियम इज लाइक बोरॉन, गैलियम एल्यूमिनियम, लियम लियम आता है, तो ये एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन इज जर्मेनियम. तो ये याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये सेकंड मेरिट है कि एलिमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते, एटॉमिक मास करेक्ट हुआ, एलिमेंट्स प्रिडिक्ट हुए. तो ये देखिए एक का एल्यूमिनियम और गैलियम, एक का एल्यूमिनियम का एक्चुअल नेम अभी गैलियम है जो एलिमेंट मिला. तो ये प्रॉपर्टी जो मेंडेलीव ने प्रिडिक्ट की थी
और ये प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली उनकी है वो कितनी सिमिलर है वो दिखाया जा रहा है. एटॉमिक मास काफी सिमिलर है, डेंसिटी सिमिलर है, मेल्टिंग पॉइंट भी उन्होंने कहा था लो होगा तो कम ही है नियर रूम टेम्परेचर थोड़ा. फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ दैट एलिमेंट, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट, नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ये सारा प्रिडिक्ट किया गया था. तो एम्फोटेरिक मतलब जैसे एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, लाइक फ्रॉग वगैरह, तो ये एम्फीबियंस है. तो वैसे एम्फोटेरिक इन ऑक्साइड्स मतलब जब उनका रिएक्शन होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ, तो वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी. तो एम्फोटेरिक जो होते वो यहाँ पे मेंशन है. तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम दैट इज गैलियम इज एम्फोटेरिक, इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. तो ये दो बेनिफिट्स तो हो गई कि एटॉमिक मास करेक्ट हुआ एलिमेंट्स का और नए एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए गए. तीसरा जो बेनिफिट है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का वो ये है कि मेंडेलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तब नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था. नोबल गैसेस जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये बाद में डिस्कवर हुए. तो फिर मेंडेलीव तब थे, तो मेंडेलीव ने जब देखा कि अभी नोबल गैसेस ये डिस्कवर हुए हैं तो उनके लिए कोई जगह तो उन्होंने छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना ही पीरियोडिक टेबल रिवाइज करके एक नया ग्रुप बनाया, जीरो ग्रुप. तो सेवन ग्रुप्स तो थे, आठवां ग्रुप भी उन्होंने बनाया जीरो ग्रुप, और उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया. तो ये उन्होंने एडजस्ट जैसे किया वो भी और एक बेनिफिट माना जाता है. फिर यहाँ यूज योर ब्रेन पावर है वो देख लेते कि क्लोरीन के बारे में कि दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के, Cl35 और Cl37. तो ये एटॉमिक मासेस है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35, क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 37. तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी, लेकिन जो आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकली थोड़े चेंजेस होते हैं उनके. तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो इन दोनों का एटॉमिक मास अलग है. तो ये मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पे होगी कि अलग जगह पे, तो ऑफकोर्स अगर एटॉमिक मास अलग है तो अलग जगह पे फिट करने पड़ेंगे. अब मेंडेलीव्स के टाइम पे आइसोटोप्स के बारे में भी नहीं पता था, तो ये जो पॉइंट है तो अगर सेम प्लेस में करेंगे तो वो एक्चुअली सही क्लासिफिकेशन नहीं होगा. तो वही यहाँ मेंशन किया गया कि एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल अरेंजेस एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, Cl35 एंड Cl37 दोनों का मास अलग है, 35 37, वुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस ना, बट केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन सेम है, तो एक्चुअली उनको दे शुड बी प्लेस्ड इन द सेम प्लेस, बट ये मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में पॉसिबल नहीं है. तो वही मेन है. तो डीमेरिट्स क्या है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के, ये चार देख लेते हैं. पहला है कि होल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, कोबाल्ट और निकल उन दोनों का एटॉमिक मास सेम है. अब एटॉमिक मास सेम होगा तो फिर इनको कैसे प्लेस करने का और इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले कोबाल्ट आना चाहिए कि निकल, वो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल से नहीं पता चलता. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम अलग एलिमेंट्स का कभी नहीं हो सकता, हर एक एलिमेंट का यूनिक है और वो सीक्वेंस में ही जाता है. तो ये जो पॉइंट आई कि एटॉमिक मास सेम है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर पहले कौन सा बाद में कौन सा आएगा वो एम्बिग्यूटी हो जाती है. दूसरा है कि आइसोटॉप्स, जैसे हमने देखा अभी Cl35 Cl37 ये आइसोटॉप्स है, तो ये आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल. तो आइसोटॉप्स के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होता है, तो फिर इनको टेबल मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में डालने में मुश्किल आती है. तो ये दूसरा डीमेरिट है. एक है कि अगर एटॉमिक मास सेम है तो क्या करें, दूसरा है कि आइसोटॉप्स के बारे में क्या करें, तीसरा है कि जब एटॉमिक मास जैसे जैसे राइज होता है वैसे वैसे टेबल पीरियोडिक टेबल आगे बढ़ता है, लेकिन ये राइज जो यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एक होल नंबर से वो इंक्रीज होता है, जैसे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4. तो ये एटॉमिक मास के साथ नहीं है, कभी कभी बीच में बड़ा गैप भी है, जैसे 53 से डायरेक्ट 55 आ गया. तो एटॉमिक मास का राइज यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसीलिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है यहाँ पे. तो इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स. तो ये तीसरा है, मतलब बेनिफिट था, मेरिट था कि तीन एलिमेंट्स डिस्कवर कर पाए वो बात थी, लेकिन ओवरऑल इन जनरल आप देखोगे तो डीमेरिट यही है कि हम पॉसिबल नहीं हम प्रिडिक्ट कर सके हर बार, क्योंकि जो है एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए गए. और लास्ट जो डिमेरिट है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद हैलोजन्स भी एंड इट हैज सिमिलैरिटीज विद अल्कलाई मेटल्स टू, तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो उसको कहाँ रखना हाइड्रोजन को, तो इसीलिए वो एक और ड्रॉबैक था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का.
इट कैन नॉट बी डिसाइडेड विद वेदर द करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रुप वन और ग्रुप सेवन, हेलोजन्स के साथ रखे या ग्रुप वन में, बट उसको आइडियली ग्रुप वन में रखा जाता है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे क्यों, लेकिन ये एक एम्बिग्विटी थी इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो चार डिमेरिट्स, एम्बिग्विटी के सीक्वेंस क्या होना चाहिए अगर एटॉमिक मास सेम है तो, दूसरा आइसोटोप्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर एटॉमिक मास अलग है, उनको कैसे फिट करना टेबल में, तीसरा रिगार्डिंग प्रिडिक्शन, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो नए एलिमेंट प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, एंड पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन विच वी ऑलरेडी नो एंड विच विल ऑल्सो बी सीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसका क्या करना है। तो ये हाइड्रोजन का ही बताया गया, जैसे नो यू कैन सी हाइड्रोजन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर शोन हियर, सिमिलैरिटी कैसे हाइड्रोजन और अल्कलाई मेटल्स में वो दिखाया गया है, सिंगल एटम से बन जाता है, ये दो एटम्स चाहिए ऐसे, और ये जो है तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का कंपाउंड जो बनता है मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ वो दिखाया गया, NaHCH4 या NaCl CCl4, तो हैलोजन्स के साथ भी सिमिलैरिटी और अल्कलाई मेटल्स के साथ भी सिमिलैरिटी है, ये केमिकल रिएक्शंस में भी, तो वही बताया गया। अब आते हैं यूज योर ब्रेन पावर के दो सवाल। पहला है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रेफरिंग टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं ऑक्साइड्स का, मतलब जैसे सोडियम का है तो Na2O आएगा, तो ये कहां से देख के, रेफरिंग मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो RO2 लिखा हुआ है ना, तो वो यूज करके हमको करना है। तो अगर ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल करता है तो यहाँ का देख के करना है, जैसे ये है यहाँ पे से कार्बन का, जैसे CH4 आएगा, जैसे यहाँ कार्बन का CO2 पता चलता है, तो वैसे ही हमको लिखना है यहाँ पे। तो ये मेंशन किया गया है सारे यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में, तो सोडियम सिलिका कैल्शियम कार्बन रुबिडियम फॉस्फोरस सबका हमको ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड क्या बनेगा वो लिखना है, तो वो हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल को देख के हम ये लिख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर्स है। फिर दूसरा सवाल है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन बाय रेफरिंग टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब ये एलिमेंट्स का भी कंपाउंड विद हाइड्रोजन लिखना है। फर्स्ट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद हाइड्रोजन, तो उसका भी दिया हुआ है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में ऊपर, तो उसके हिसाब से हमने इन सब का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। तो ये व्हेन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड व्हेन एलिमेंट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो मेंशन है। फिर आगे जाएंगे तो आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो डीमेरिट्स हमने समझ ली, चार डीमेरिट्स, और फिर ये जो है इनका मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स के बारे में इतनी डिटेल दी गई है, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ दैट ऑल एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन, वो भी डिस्कस किया गया। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर ही पूरा चैप्टर मेनली है, ये तो सिर्फ जो इनिशियल पार्ट्स थे कि डॉब्रिनस ट्राइड न्यूलैंड ऑक्टेव्स और मेंडेलीव्स ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसके बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन ये कुछ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनी वन ऑफ देम कैन बी आस्क्ड इन डिटेल, तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, डॉब्रिनस ट्राइड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज इट, थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।